हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 15 सितंबर 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके देश के मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। दोस्तों, 5 साल के अंदर 111 करोड़ रुपए में 32 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। इसमें 4 औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं, जिसमें मोहना, रतलाम, जावरा और लमतारा, ये 4 औद्योगिक क्षेत्र भी इसी कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए हैं। दोस्तों, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का ये ब्रॉड मैप है। आपको बता दें, इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी भोपाल है। जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 230 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, वहीं 29 सीटें लोकसभा की हैं मध्य प्रदेश में। अगर बात करें पुरस्कारों की, तो कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी और कुमार गंधर्व, ये पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव, पेज, पन्ना, सतपुड़ा और वन विहार, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। जलप्रपात की बात की जाए तो चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा और दुधारा, ये प्रमुख जो जलप्रपात है वह मध्य प्रदेश में है। और बांध में बरगी बांध, राजघाट, वाणसागर, तवा, गांधी सागर और बारना, ये प्रमुख बांध है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल महिला जजों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वर्तमान में जो महिला जजों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वह है टोटल 4, यानी 4 महिला जज हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है वह 33+1 यानी 34 या 34 संख्या है सुप्रीम कोर्ट की जज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिम तेंदुआ को कहाँ का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा लद्दाख। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु हाल ही में हिम तेंदुआ को घोषित किया गया है। दोस्तों, साथ ही जो लद्दाख का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है वह है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये दोनों हाल ही में लद्दाख के राष्ट्रीय पशु और पक्षी घोषित किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कौन सी जयंती 2021 में मनाई गई है? तो दोस्तों, इनकी 125वीं जयंती 2021 में मनाई गई है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th 125। आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने 125 रुपए का सिक्का जारी किया है। अब आपको ये लग रहा हो ये कौन है, तो श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ये एस्कॉन के संस्थापक हैं और इनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपए का सिक्का जारी किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, बिम्स्टेक की 8वीं बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन बी। बिम्स्टेक के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, हेडक्वार्टर ढाका में है और हाल ही में जो इसकी हेड है वह तेंजिन लेक फिल्मो यहाँ के हेड हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो बिम्स्टेक की कृषि विशेषज्ञों की बैठक है वह ICAR जो महानिदेशक त्रिलोचन महापात्र इसकी अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें, ये जो कृषि विशेषज्ञों के अलावा और भी जो बैठकें होंगी वह भी भारत में ही आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZAPAD एक्सरसाइज हाल ही में कहाँ शुरू हुई है? तो ये एक्सरसाइज हाल ही में रूस में शुरू हुई है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, रूस। दोस्तों, ये ZAPAD जो एक्सरसाइज है वह रूस करा रहा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन जैसे देश हिस्सा लेंगे। इसे आर्मी ओलंपिक भी कहा जाता है, तो ये याद रखना है, जापान एक्सरसाइज को आर्मी ओलंपिक भी कहा जाता है, जिसे रूस में इस बार कराया जा रहा है।
बात आई है रूस की, तो आपको बता दें ये मैप में लोकेशन देख पा रहे होंगे, रूस की है। रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री मिखाइल मुस्टिन है, और यहाँ की जो मुद्रा है वह रूसी रूबल है। एकमात्र देश है जो दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीडीटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में सीबीडीटी का चेयरमैन जेपी मोहपात्रा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब ये दोस्तों सीबीडीटी क्या होता है, आपको इसका फुल फॉर्म बता दें तो इसका पूरा नाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिट इंडिया क्विज का प्रारंभ हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, फिट इंडिया क्विज का प्रारंभ हाल ही में दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, दिल्ली। दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और युवा मामले और खेल मंत्रालय की मंत्री अनुराग ठाकुर, इन दोनों के द्वारा फिट इंडिया क्विज का प्रारंभ हाल ही में किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका सही आंसर होगा। आपको बता दें ये पुर्तगाल के एक बेस्ट फुटबॉलर है, दुनिया के भी बेस्ट फुटबॉलर हैं। इन्होंने 180 मैच में कुल 111 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। इनका जो पहला गोल है वह 2004 में ग्रीस के खिलाफ किया गया था। तो ये इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। सेंटर फॉर रिसर्च इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो ये हैं विवेक प्रसाद। हाल ही में विवेक सागर प्रसाद को सेंटर फॉर रिसर्च इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, अब ये आप जानोगे ये कौन है, तो आपको बता दें भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में जो मेडल लेकर आई है उसमें जो गोल किया गया था वह विवेक सागर जी के द्वारा किया गया था, और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये टोक्यो ओलंपिक में शामिल थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इन्हें सेंटर फॉर रिसर्च इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इन्हें डीएसपी भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, आपको नाम याद रखने हैं, बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई, इन तीनों देशों को हाल ही में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का शामिल किया गया है। दोस्तों, चीन को तो आप जानते ही हैं, पहले से ही इस ब्रिक्स देश में शामिल है। इनके अलावा इन तीनों देशों को हाल ही में शामिल किया गया है। इन तीनों देशों के नाम याद रखने हैं, एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, बात आई है ब्रिक्स बैंक की या ब्रिक्स देशों की, तो पहले मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताता हूँ। ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन है वह 2014 में किया गया था। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह मार्कोस ट्राइडो हैं। आपको बता दें जो ब्रिक्स का मेंबर है वह 5 मेंबर हैं, जिसमें ब्रिक्स से ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश आते हैं ब्रिक्स के अंदर। और इन्हीं के जो बैंक है इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई को हाल ही में शामिल किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, इनके जन्मदिन पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें एक और फैक्ट है, इस दिन हमारे राष्ट्रपति जो है शिक्षक अवार्ड की घोषणा करते हैं, और इस बार जो शिक्षक अवार्ड है वह 44 शिक्षकों को दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, 44 शिक्षकों को इस बार शिक्षक दिवस पर शिक्षक अवार्ड प्रदान किया गया है। 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है गांधीनगर। गांधीनगर दोस्तों, यहां पर गांधीनगर या अहमदाबाद, ये दोनों कर सकते हैं आप। अगर आपको गांधीनगर नहीं मिलता है तो अहमदाबाद पर भी आप टिक कर सकते हैं, जिसका 12वां संस्करण डिफेंस एक्सपो का यहां पर किया जा रहा है। दोस्तों, 11वां आयोजन कहाँ किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, 11वां आयोजन लखनऊ में किया गया था। दोस्तों, इसमें जो फोकस रहता है वह डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर फोकस रहता है, और इसका जो आयोजन है 2021 में अहमदाबाद या गांधीनगर में किया गया है। राजीव गांधी उरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा असम, यानी ऑप्शन डी सही होगा असम।
असम में राजीव गांधी उरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको बता दें इसका नया नाम उरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है, यानी इसके आगे जो राजीव गांधी है वह हटा के सिर्फ इतना उरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। दोस्तों इसे 1999 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था जो असम में स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहां से जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। कितने भी हमारे देश में एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल्टीमेट क्वेश्चन मैं आप तक लेकर आया हूं। बात आइए असम की, तो ये आप मैं लोकेशन देख पा रहे होंगे, असम है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। राजधानी दिसपुर है। गवर्नर जगदीश मुखी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें हैं असम में। वहीं अगर बात करें यहाँ की फेमस डांस की तो बिहू यहाँ का फेमस डांस है। मैमल की बात करें तो वन हॉर्ड हॉर्न्ड राइनो, एक सींग का गैंडा, यो यहाँ का मैमल है। अगर बर्ड की बात करें तो व्हाइट विंग्ड वुड डक यहाँ का बर्ड है। तो आपको इतना असम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कहाँ भीमराव अंबेडकर अभयारण्य बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये है सागर। सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में भीमराव अंबेडकर अभयारण्य बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें इसका जो एरिया होगा वह 258 वर्ग किलोमीटर एरिया रखा जाएगा। सागर का यह दूसरा अभयारण्य होगा। अगर मैं दूसरा बोलूं तो पहला कौन सा है? तो दोस्तों नौरादेही सागर का पहला अभयारण्य है। और आपको नौरादेही के बारे में एक याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये दो फैक्ट मैंने आपको अभी अभी बताए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नौरादेही। और अगर बात की जाए सॉरी दोस्तों, अगर बात करें सबसे बड़े अभयारण्य की मध्य प्रदेश की तो नौरादेही है। और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य भी सागर में ही बनाया जा रहा है। बात आइए सागर की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे सागर की है। भारत का हृदय कहा जाता है सागर को। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में ही स्थित है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन में देखने को मिलता है। नापतोल प्रशिक्षण संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स की स्थापना सागर में ही की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही यहीं स्थित है। बीना तहसील जो सागर की है वहां पर ऑयल रिफाइनरी ओमान की सहायता से लगाई गई है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने सागर के बारे में चर्चा की है। यहां से आपको याद रखना है, एग्जाम में मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों सिम्बेक्स का 28वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 28वां। आपको ये याद रखना है सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। सिम्बेक्स के अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का युद्ध अभ्यास भी भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2019 में की गई थी। दोस्तों जो सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास है इसकी शुरुआत 1994 में की गई है। हाल ही में शिक्षक पर्व का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों शिक्षक पर्व का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, नरेंद्र मोदी। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत इसके साथ की गई है। साथ ही इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ऑडियो बुक्स आदि भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शिक्षक पर्व पर लॉन्च किए गए हैं। जिसका सही ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में मध्य प्रदेश तैराकी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एमपी तैराकी संघ का अध्यक्ष हाल ही में पीयूष शर्मा को चुना गया है। तो ऑप्शन ए पीयूष शर्मा सही होगा। दोस्तों ये थर्ड टाइम एमपी तैराकी संघ के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों जय कुमार वर्मा को सचिव बनाया गया है। और वहीं सह सचिव राजकुमार खिलरानी, दोस्तों यहाँ पर हैरानी नहीं, राजकुमार खिलरानी को बनाया गया है। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं जिसमें पीयूष शर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश तैराकी संघ का अध्यक्ष पीयूष शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों डूरंड कप का हाल ही में 130वां संस्करण शुरू हुआ है। ऑप्शन डी 130 इसका सही आंसर होगा। 130वां संस्करण कोलकाता में शुरू किया। दोस्तों कोलकाता में डूरंड कप का पहला संस्करण हुआ था। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, जिसका 2021 में 130वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में दो लोगों को बनाया गया है। पहली तो है रानी रामपाल और दूसरी है स्मृति मंधाना। दोस्तों तो इन दोनों को हाल ही में इक्विटास
स्मॉल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, स्मृति मंधाना कौन है, ये कौन सा खेल खेलती हैं, इसके अलावा रानी रामपाल किस खेल की प्लेयर हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अपने सभी नागरिकों को कोरोना का पहला डोज लगाने वाला राज्य बन गया है। बात आई हिमाचल प्रदेश की तो आप मैप में ये देख पा रहे होंगे लोकेशन, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई थी, राजधानी शिमला है, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर केलर हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, यहाँ राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन हमारे प्यारे भारत में किया जा रहा है, जिसका सही ऑप्शन होगा भारत। अब दोस्तों बात आई है ब्रिक्स सम्मेलन की, तो मैं आपको इसके डिटेल के बारे में बताना चाहता हूं। पहली बात तो 2021 में इसका 13वां संस्करण है, 2020 में जो आयोजन किया गया था वह रशिया में किया गया था। दोस्तों इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ब्रिक्स के बारे में इसी वीडियो में बताया है, एक बार फिर आपको बता दूं, इसमें 5 सदस्य देश हैं, इनके बैंक का नाम एनडीबी है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका फॉर्मेशन 2006 में, हेडक्वार्टर शंघाई में है। तो इतना आपको ब्रिक्स के बारे में याद रखना है। ऑसेंडेक्स युद्ध अभ्यास हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? तो ऑसेंडेक्स युद्ध अभ्यास हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसकी शुरुआत ऑसेंडेक्स युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसके अलावा भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है वह मालाबार युद्ध अभ्यास में भी भाग लेते हैं। बात आइए ऑस्ट्रेलिया की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सम्राट यहाँ की एलिजाबेथ द्वितीय है, यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं डेविड हार्ले, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को आयोजित किया जाता है, सही ऑप्शन होगा बी 8 सितंबर। दोस्तों इस साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत 1966 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। जो 2021 में इस दिवस की थीम रखी गई है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार याद कर लीजिए। थीम रखी गई है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन कंसर्ट रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ये थीम हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की रखी गई है, जिसे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। भूपेंद्र बांगरी का हाल ही में किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र बांगरी को हाल ही में दोस्तों एक्सिम बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है, जिसका सही ऑप्शन होगा एक्सिम बैंक ऑप्शन सी। दोस्तों एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके हाल ही में एमडी भूपेंद्र बांगरी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हाल ही में टेक्सटाइल सेक्टर में शुरू की गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा टेक्सटाइल सेक्टर। दोस्तों वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, 5 साल में 10,683 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे टेक्सटाइल सेक्टर पर इसी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। वायुसेना इमरजेंसी हवाई पट्टी जो रोड पर बनाई गई है इसका उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना के द्वारा इमरजेंसी हवाई पट्टी बनाई गई है जो रोड पर बनाई गई है, इसका उद्घाटन हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं, इसकी लागत 33 करोड़ रुपए आई है। इस तरह की 12 पट्टियां पूरे देश में बनाई जा रही हैं और यह भारत की पहली इमरजेंसी पट्टी है जिसे ओपन किया गया है राजस्थान के बाड़मेर में। एडीबी तथा हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य हेतु 300 मिलियन अतिरिक्त ऋण लिया है? तो दोस्तों एडीबी से भारत सरकार ने
किस राज्य के लिए 300 मिलियन ऋण लिया है? इसका सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के लिए एडीबी ने 300 मिलियन ऋण दिया है। दोस्तों 2900 किलोमीटर सड़क को सुधार किया जाएगा इस 300 मिलियन ऋण के द्वारा। बात आई है एडीबी की, तो चलिए आपको इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। जो मैंने अभी आपको एनडीबी बताया था वह दोस्तों ब्रिक्स देशों का बैंक था, लेकिन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसका फॉर्मेशन 1966 में किया गया था। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वह मसात सुगु असाकावा हैं। तो इतना आपको एडीबी के बारे में याद रखना है। दोस्तों बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र की है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। राजधानी मुंबई है। गवर्नर भगत सिंह कोशियारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 या 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। टाटा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों टाटा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में हमारे नीरज चोपड़ा, एकमात्र जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2021 ओलंपिक के, उन्हें टाटा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। दोस्तों टाटा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2000 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑफिशियली नीरज चोपड़ा को किसी मतलब टाटा लाइफ इंश्योरेंस या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, या ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में घोषित किया गया है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एन रवि को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आर एन रवि को तमिलनाडु राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें तमिलनाडु के ये 15वें गवर्नर होंगे। वहीं आर एन रवि इससे पहले नागालैंड के 18वें गवर्नर थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बात आइए तमिलनाडु की, मैप में ये देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी चेन्नई है। दोस्तों हाल ही में जो गवर्नर बनाए गए हैं वो यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित नहीं, आर एन रवि को बनाया गया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। राज्यसभा की 18 और लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। हाल ही में किसने प्रेरणा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों हाल ही में हमारे जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं, इनके द्वारा प्रेरणा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ये प्रेरणा पोर्टल है क्या, आपको इसके बारे में बता दें। इसका फुल फॉर्म पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अलाइन मूवमेंट सिटी। तो ये प्रेरणा पोर्टल का फुल फॉर्म होता है, जिसे हाल ही में भूपेंद्र यादव, जो हमारे वर्तमान एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। 132 सिटी में एयर पॉल्यूशन को रोकने में ये मदद करेगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में प्रोडक्शन प्लांट बंद किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्ड। हाल ही में फोर्ड कंपनी ने भारत में अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वह बंद किया है। इससे पहले शेवरले, हार्ले डेविडसन और इन दोनों ने भी अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया था। इसके बाद फोर्ड ने भी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, उसने जो प्रोडक्शन प्लांट है वह भारत में बंद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है? तो दोस्तों ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो रैंक जारी की गई है उसमें पहले स्थान पर रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन तो हो जाएगा आईआईटी मद्रास। दोस्तों इसके अलावा और भी रैंकिंग आपको याद रखनी है, जो 3-4 रैंकिंग है मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। तो ओवरऑल टॉप तो किया है आईआईटी मद्रास ने। इसके साथ ही इंजीनियरिंग संस्थानों में भी आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है 6वीं बार लगातार। अब बात करते हैं रिसर्च कैटेगरी में, तो आईआईएससी जो बेंगलुरु है उसने रिसर्च कैटेगरी में टॉप किया है। अगर बात करें वीवी कैटेगरी की, तो आईआईएससी जो बेंगलुरु है उसने वीवी कैटेगरी में भी, यानी विश्वविद्यालय कैटेगरी में भी टॉप किया है। तो ये 4 रैंकिंग आपको इस जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा रैंकिंग जारी की गई इंडिया विश्वविद्यालय रैंकिंग की, तो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो गुजरात का नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को चुना गया है। ऑप्शन ए भूपेंद्र रजनीकांत पटेल इसका सही ऑप्शन होगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री नए बने हैं
भूपेंद्र रजनीकांत पटेल इससे पहले विजय रूपाणी गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनसे भी पहले आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। बात करें अनसुईया उइके की तो दोस्तों ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य मध्य प्रदेश का किस जिले के गांवों को चुना गया है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के गांव जिसका नाम है निवाड़ी का लाडपुरा, दोस्तों निवाड़ी जिला है और उसका लाडपुरा गांव है जिसे देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है जो मध्य प्रदेश का है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी के एग्जाम में ये लिख के ले लीजिए, पूछा ही जाएगा। फिर से आपको बता दूं, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का लाडपुरा को चुना गया है देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। हाल ही में किस जिले में हाथी महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों हाल ही में जो सीधी है वहां पर हाथी महोत्सव की शुरुआत की गई है। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, सीधी जिले की है। संजय टाइगर रिजर्व में 7 दिन तक हाथियों की देखभाल की जाएगी, उन्हें मनपसंद खाना दिया जाएगा, इसीलिए यह हाथी महोत्सव शुरू किया गया है। देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट हाल ही में जमशेदपुर में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन बी जमशेदपुर इसका सही आंसर होगा। टाटा स्टील द्वारा हाल ही में यह शुरू किया गया है। रोजाना 5 टन फर्नेस गैस को कार्बन सोख कर एकत्रित किया करेगा ये कार्बन कैप्चर प्लांट। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, कार्बन कैप्चर यानी कार्बन को पकड़ेगा ये प्लांट। चलिए दोस्तों, कुछ 2021 के जो टेनिस कप हुए हैं उनके जो विनर रहे उनके बारे में बात करते हैं। पहला है यूएस ओपन, यूएस ओपन को किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव जो मेल है इन्होंने जीता है और एमा रेडुकोन ये फीमेल है, इन्होंने यूएस ओपन 2021 को जीता है। दूसरा आता है विंबलडन ओपन, इसे नोवाक जोकोविच ने जीता है और एसले बार्टी फीमेल है, इन्होंने विंबलडन ओपन को जीता है। वहीं तीसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है जिसे नोवाक जोकोविच जो मेल है इन्होंने जीता है और बारबोरा क्रेजीतोवा इन्होंने जीता है फीमेल का फ्रेंच ओपन। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो नोवाक जोकोविच इन्होंने फिर से यह ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक जीता है और नायोमी ओसाका इन्होंने फीमेल में ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक जीता है। दोस्तों 2021 में ये चारों फेमस टेनिस कप हैं जिनके विजेता मैंने आपको बता दिए हैं। आपको एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर ही पूछा जाता है। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट जो हाल ही में नियुक्ति हुई है उनको लेकर आया हूँ। तो राज्यसभा का नया सेक्रेटरी जनरल परशुराम पट्टाभी केशव रामाचार्यलु को बनाया गया है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण हैं, लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल हैं, डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस मुख्तार अब्बास नकवी हैं, अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और डिप्यूटी अपोजिशन लीडर आनंद शर्मा है। दोस्तों यहां से भी आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि ये नई अपॉइंटमेंट की गई है 2021 में, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर, जिसमें हमने 1 से 15 सितंबर 2021 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, ये ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए और मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं उनमें से मैं खुद एग्जाम देने जाता हूं तो उनमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही हैं, अगर करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तो। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप तक लेकर आता हूं, मेहनत काफी लगती है, तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।